जनपद शाहजहांपुर अंतर्गत तिलहर में भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी की पूर्व घोषित कार्यक्रम को लेकर ती किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर मेन गेट पर किसानों ने पंचायत की, जिसमें 13 बिंदुओं पर वार्ता हुई और समस्याओं का समाधान करते हुए पुराने भुगतान को लेकर काफी नोकझोंक हुई, जिसके बाद 31 जनवरी तक पूर्ण भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। यूनियन की ओर से कहा गया कि यदि 31 जनवरी तक पेमेंट नहीं होता है तो 1 फरवरी को चीनी मिल में तालाबंदी कर दी जाएगी। इस दौरान उप जिला अधिकारी तिलहर व चीनी मिल प्रधान प्रबंधक अतुल खन्ना, मुख्य गन्ना अधिकारी रमाशंकर, ईडीपी चंद्रबान मौजूद रहे। पंचायत में यूनियन की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पराज सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष माधुरी देवी कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष परशुराम वर्मा, जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह, जिला प्रभारी मैकुलाल यादव, जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र पाल शाक्त, तहसील अध्यक्ष तिलक प्रमोद कुमार वर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष कामता प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और सुनिए आप लोग खामोशी, एक तो अभी प्रधान जी ने कहा था नाबार्ड योजना, खाद आप लोगों को ऋण पर मिलेगी। यहाँ कितना एरिया सीमित कर रखा है, फिर वापस चीनी मिल में आएगा, फिर आपके खातों में आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें लगने वाला समय जो है, क्योंकि गत वर्ष का है, तो इसमें एग्जैक्ट समय हम निश्चित निर्धारित तौर पे नहीं कह सकते हैं कितना समय लगेगा। इसीलिए आपसे 30-31 जनवरी तक की बात की गई है, तब तक निश्चित तौर पे आ जाएगा। इधर जो आपके इस वर्ष जो आपका बकाया है, इसमें तो 14 दिन के अंदर वो लगातार प्रक्रिया चालू रहेगी, और पिछले वर्ष का जो 12 दिनों का आपका बकाया है, कोशिश रहेगी जितना जल्दी हो सके। और ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए तिलहर से अमोक सक्सेना की रिपोर्ट।